यार मुझे डेट पे जाना है और मेरा निखार, ओह गॉड, क्यूट एंड लवली। एक काम करती हूँ, इसे लगा लेती हूँ, इससे मिलेगा मुझे नेचुरल निखार। पहला सनस्क्रीन धूप से बचाए, दूसरा चिपचिपाहट घटाए, तीसरा चेहरे से दाग हटाए और चौथा भीतर से निखारे आपको। मुझसे बेहतर है कोई? क्यूट एंड लवली। यार मुझे डेट पे जाना है और मेरा निखार। क्यूट एंड लवली। एक काम करती हूँ, इसे लगा लेती हूँ, इससे मिलेगा मुझे नेचुरल निखार। लग रही हूँ ना ब्यूटीफुल? आज तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे शादी के लिए प्रपोज कर ही देगा। एक काम नहीं करती मेरी औलाद, पूरा दिन बस बेड पे निकलवा लो। ये क्या किया तूने? कोई बात नहीं बेटा, मैं साफ कर दूंगी। टेढ़ी है पर मेरी है। मम्मी ये खा के देखो, मस्त है। हाँ यही तो खाने में तुम्हें स्वाद आता है। खाओ खाओ और प्लास्टिक खाओ, मैं जो बनाती हूँ वो तो तुम्हें टेस्टी नहीं लगता। चाहे कुछ बना लूँ तुम्हारे लिए, कितने अच्छे से अच्छे पकवान बना लूँ, लेकिन उसमें तुम्हें स्वाद नहीं आता बिल्कुल भी। यही खाओगे तुम? और हाँ, खा के रैपर भी यही फेंक देना, क्योंकि माँ माँ थोड़ी है, माँ तो काम वाली है। सारा दिन बस तुम्हारे हकते बैठते उठते जागते तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहूंगी, है ना? अरे यार बहुत तेज की भूख लग रही है, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता है। नो फिकर, फिगी है ना? कर दिया ऑर्डर। लगता है ऑर्डर आ भी गया। बहुत तेज की भूख लग रही है और मम्मी भी नहीं है घर पे, अब क्या किया जाए? एक काम करती हूँ, ऑर्डर कर देती हूँ कुछ। हाँ सब कुछ इतना महंगा महंगा। कोड लगा देती हूँ। जितना डिस्काउंट नहीं है उससे ज्यादा तो डिलीवरी चार्जेस हैं। लेकिन भूख भी लग रही है, ऑर्डर कर ही देती हूँ। Few moments later. मैम मैं फिगी से बोल रहा हूँ, एड्रेस समझा देंगे? भैया आप लोकेशन फॉलो करते हुए आ जाओ। ठीक है ठीक। 20 minutes later. हेलो मैम, यह गेट बंद है लोकेलिटी का। अच्छा तो आपने वो बड़ी वाली ज्वेलरी शॉप देखी है? आप वहीं पे आ जाओ। ठीक है। 346 minutes later. मैडम यह तो तीन बड़ी ज्वेलरी शॉप है। भैया आप एक काम करो, हरि नारायण इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ जाओ। 24 hours later. One week later. एक काम कर तू ही खा ले, मेरी तो भूख ही मर गई। आज मम्मी अपने बर्थडे पे मेरे हाथ से बना हुआ कार्ड देखकर खुश हो जाएंगी। हैप्पी बर्थडे मम्मी। कोई बात नहीं, अब सिर्फ 10 रुपए में दमदार सफेदी मिलती है।
आज मम्मी अपने बर्थडे पे मेरे हाथ से बना हुआ कार्ड देखकर खुश हो जाएंगी। हैप्पी बर्थडे मम्मी। ये क्या गंद मचा रखा है मम्मी? वो आपका बर्थडे कार्ड? हाँ, मम्मी को 1000-2000 का गिफ्ट ना देना पड़े तो कार्ड बना दो। और ये जो कपड़े गंदे करे उसका क्या? मम्मी बस 10 रुपए का सर। कमाए कभी 10 रुपए? तुम्हारे बाप ने तुम्हें सर पे चढ़ा रखा है। यहाँ थक गई मैं धो धो के तुम्हारे बाप के कच्चे, और तुम कहते हो दाग है अच्छे। रुक, तुझे तो मैं आज बताती हूँ। मम्मी ये देखो रिपोर्ट कार्ड आ गई, मैं फिर फेल हो गया। पेश करते हैं नया सेंटेफ्रेस, लगा जुबान पे लगा। मम्मी ये देखो रिपोर्ट कार्ड आ गई, मैं फिर फेल हो गया। एक तो फेल हो गया, ऊपर से सिगरेट पी के माउथ फ्रेशनर खाता है। यहाँ हम तेरे स्कूल की फीस भर भर के परेशान हो गए, और तू अय्याशी करता फिर रहा है। तेरा बाप भी किसी काम का नहीं और तू भी किसी काम का नहीं है। हम तो परेशान हो गए तेरे को बोल बोल के। पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, इतने ट्यूशन लगवा रखे तेरे, लेकिन फिर भी 0 नंबर लेके आया। बता क्या करें हम तेरा? मैं तो कहीं की भी नहीं रही, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस लड़के ने मुझे। क्या बताऊंगी अपने घर परिवार में या रिश्तेदारों में? मेरी कमर। इतना काम क्यों करती हो? ये लो मूव स्प्रे, इसे लगाने के लिए तुम्हें किसी की जरूरत भी नहीं है, और कमर दर्द इंस्टेंटली गायब। मेरी कमर। इतना काम क्यों करती हो? ये लो मूव स्प्रे, इसे तुम खुद भी लगा सकती हो। हाँ, ये सब काम भी मैं करूँ, और इसे भी मैं खुद ही लगा लूंगी। तुमसे तो इतना भी नहीं हुआ ना कि इसे लाके लगा दो? और कितनी जल्दी माम लेके आए हो ताकि मैं जल्दी से इसे लगाऊं और ठीक हो जाऊं और काम करने लग जाऊं। तुम कोई बीवी थोड़ी, तुम तो काम वाली ब्याह के लेके आए हो, है ना? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं सब जानती हूँ। शादी से पहले कहते थे बेबी तुम्हें रानी बना के रखूंगा, और अब नौकरानी बना के रखा हुआ है। आज पहले तुम्हारी कमर तोड़ूंगी और फिर इसी बाम से तुम्हें मालिश करूंगी। रुको तुम तो।